हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय छोटू सा चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस लेक्चर में हम स्पाइना बाइफिडा के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट वन में हमने स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, क्यों होता है, ये डिस्कस किया है, आप जाकर देख सकते हो। सो अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। स्पाइना बाइफिडा के 3 टाइप्स होते हैं, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका विथ मैनिग्नोसिल, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका विथ माइलो मैनिग्नोसिल। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, अब ये क्या होता है? ये माइल्डेस्ट टाइप है, इतना सीरियस नहीं होता है। इसको हम हिडन स्पाइना बाइफिडा भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बच्चे के बैक पे कोई भी सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, वहाँ गैप, खड्डा या फिर हैरी ग्रुप, बहुत सारे हेयर्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें बस क्या होता है, बोन्स प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड के लेवल के ऊपर बस एक छोटा सा गैप रह जाता है। इसमें नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि बैक के ऊपर कोई ओपनिंग नहीं होगी, इसलिए वो नॉर्मल रहेंगी। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका विथ मैनिग्नोसिल, अब इसमें क्या होगा? इसमें बच्चे के बैक पे सैक तो मौजूद होता है, लेकिन उस सैक के अंदर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, ना ही वो नर्व्स डैमेज होगी एंड ना ही उनके फंक्शन डैमेज होंगे। आप डायग्राम में देख सकते हो, सैक प्रेजेंट है लेकिन उसमें कोई भी नर्व्स इन्वॉल्व नहीं है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका विथ माइलो मैनिग्नोसिल, अब ये एक सीरियस टाइप का स्पाइना बाइफिडा है। इसमें सैक तो होता ही है, लेकिन उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स भी शामिल होती है। अगर नर्व शामिल होगी तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे नर्व्स डैमेज होंगी एंड प्लस उनके फंक्शन भी डैमेज होंगे। आप डायग्राम में देख सकते हो, सैक भी प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट है एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स भी वहाँ पे प्रेजेंट है। बेसिकली ये 3 टाइप्स होते हैं। एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ओकल्टा, बच्चे के बैक पे कोई भी सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा, ना ही नर्व्स एंड ना ही स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। मैनिग्नोसिल, बच्चे के बैक पे सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उसमें सिर्फ फ्लूइड होगा, उसमें ना ही स्पाइनल कॉर्ड एंड ना ही स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स इन्वॉल्व होगी। माइलो मैनिग्नोसिल, इसमें बच्चे के बैक पे सैक तो प्रेजेंट होगा ही, लेकिन उसमें स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स एंड फ्लूइड प्रेजेंट होगा। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, अब हम कैसे डायग्नोस करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, एक्सरे एग्जामिनेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन क्या है? ये एक प्रोटीन है जो फिटस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ये हमें एमनियोटिक फ्लूइड एंड मदर की ब्लड स्ट्रीम में देखने को मिलता है, जिससे हम कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। फिर प्रीनेटल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं हम कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है कि नहीं। क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, या तो वहाँ पे गैप होगा, खड्डा होगा, ठीक है, हेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या सैक होगा, ठीक है, बोवेल एंड ब्लैडर कंट्रोल लॉस हो सकता है, ठीक है, यूरिन एंड स्टूल का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है, पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, मसल्स एंड बोन की जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं होगी, क्योंकि जो नर्व्स है वो प्रेस हो जाती है या वो खींच जाती है, ठीक है। सो ये लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। अब एक छोटा सा पार्ट रहा है इस टॉपिक का, दैट इज़ प्रॉब्लम्स दैट आर मोस्ट लाइकली टू डेवलप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।